हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी लोग का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग M52 5G के बारे में। जी हाँ, ये फ़ोन जो है आज अमेजन के पेज पे लिस्ट हो चुका है और इसकी प्राइस भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो जो इसमें डिज़ाइन है वो 7.4 mm थिक होने वाला है। जी हाँ, ये फ़ोन 7.4 mm थिक होने वाला है, जो काफ़ी स्लिम होगा। और ये स्पेशली M52 5G के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखे, दिखने में तो ये स्लिम है, पर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। बात करें डिस्प्ले की, तो इसमें 6.7 inch का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है, जो कि सुपर एमोलेड है और 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। तो ये थी इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी। अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रोसेसर की। तो जो इसमें प्रोसेसर होने वाला वो 778G स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर होने वाला है, जो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है, जो कि 6 nm बेस्ड है। आपको पता है इसमें 4 Cortex जो स्टार्टिंग के 4 कोर हैं वो 2.4 GHz पे काम करते हैं और बाकी के 4 1.8 GHz पे काम करते हैं। तो ये जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कैपेबल है इन गेमिंग और अदर थिंग्स के लिए। नाउ कम टू द कैमरा फीचर। तो कैमरा जो होने वाला है इसका रियर कैमरा 64 MP का रियर कैमरा होने वाला है, और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो लेंस है वो 12 MP का है, और जो मैक्रो दिया गया है वो 5 MP का मैक्रो भी इसके साथ दिया गया है। तो आप इससे अच्छे फोटोज़ भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर उसके बाद बात करें इसमें जो वीडियोज़ हैं वो सब बूमरैंग, हाइपरलैप्स, ये सारी फीचर्स इसमें जो दिए गए हैं इसके साथ कैमरे के साथ, इसमें जो कैमरा सॉफ्टवेयर है उसके साथ। और बात करें अब सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा इसमें होने वाला है 32 MP का सेल्फी कैमरा। जी हाँ, 32 MP जनरली ये देता ही है, और इसमें वीडियो के सारे इफेक्ट दिए गए हैं, तो आप इसको यूज करते हैं। बात करें बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 25W का चार्जर दिया गया है, और ये एंड्रॉयड 11 पे आने वाला है, जो कि 3.9 UI के साथ आएगा। तो बात करें इसके 5G बैंडिंग के बारे में, तो इसमें 11 बैंड दिए गए हैं 5G के, जो काफ़ी कैपेबल होगा। और आने वाले इंडिया, अभी तो 5G आया नहीं है, पर आने के बाद देखते हैं 5G जब इंडिया में आएगा तो ये क्या कितना वर्क करता है इसके लिए और ये कितना कैपेबल होता है नेटवर्क के लिए। फिर बात करते हैं इसके सारे स्पेसिफिकेशन की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्नैपड्रैगन सारा चीज़। जो नेक्स्ट फीचर होने वाला है इसमें नॉक सिक्योरिटी। जी हाँ, नॉक सिक्योरिटी दिया गया है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में, आपको पता है। तो ये सारे इसके फीचर्स थे। और अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो जी हाँ, इसका प्राइसेस जो निकल के आ रहा है वो 26,999 अमेज़न पर लिस्ट हो चुका है, और 3 अक्टूबर से ये सेल में जाने वाला है। तो आप जाके अमेज़न पर चेक कर सकते हैं और 3 अक्टूबर को इसको